सही चित्र लेना बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ आपको क्यों प्रचार करते हैं, इसीलिए कि आपको सही चित्र दे। किसका सही चित्र? आपका खुद का सही चित्र, आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका धन, आपके हाथों के काम, सही चित्र प्रभु के वचन से। जब सही चित्र होगा तो आप सही अपेक्षा करेंगे, जब आप उसे देखेंगे सही तरह से, आप जानेंगे कि आपको क्या लेना है, आप जानेंगे कि क्या है, आप उस चीज की ओर आगे जाएंगे जब आप में सही चित्र होता है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy steadfast love of the Lord never ceases. His mercies पौलुस कहता है अध्याय 4 में, कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यह हर एक के लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न नहीं करती जाता है। कुछ लोगों के लिए क्लेश परेशानी लेकर आता है, क्लेश बहुत मुश्किल लाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्लेश अनंत काल की महिमा के लिए काम करता है। किसके लिए? हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो लोग दृश्य चीजों को नहीं देखते और उन चीजों को नहीं देखते जो देखी जाती है, उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो भी परेशानी से वो जाते हैं वो भी बदलकर बहुत बड़ी और अनंत काल की महिमा हो जाएगी। ये अनंत काल की महिमा के लिए काम करता है। आमेन। यानी यही तो होता है, हम इस क्रिया में से चले जाते हैं, इस तरह से दृश्य और अदृश्य के बीच संबंध होता है। इसी तरह से हम दृश्य को बदलते हैं और अदृश्य को हम आकार देते हैं। अदृश्य को
परमेश्वर के वचन के द्वारा आकार दिया जाता है और दृश्य भी अदृश्य के आकार में आता है, जैसे हम अदृश्य को देखते जाते हैं। चलिए फिर से कहूं, अदृश्य को परमेश्वर के वचन के द्वारा आकार दिया जाता है। आप परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि अदृश्य में क्या है, आप प्रभु वचन से जानते हैं, तो दृश्य बदल जाएगा और बिल्कुल अदृश्य के जैसे हो जाएगा जब आप अदृश्य को देखते रहेंगे। अदृश्य को, यदि आपको चंगाई चाहिए और आप बीमारी देख रहे हैं, तो आप कैसे चंगाई और तंदुरुस्ती में चलेंगे? ये तो तब जब आप अदृश्य को देखेंगे। अदृश्य परमेश्वर की सिद्ध महिमा को दिखाता है। जैसे आप इसे देखते रहेंगे, जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, फिर क्या होता है, दृश्य उसी आकार और रूप में आता है अदृश्य जैसे। जैसे जो भी अदृश्य है, दृश्य वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे। अब इसीलिए परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन में। परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वचन हमारे अंदर चित्र बनाता है। हाँ, वचन चित्र बनाता है, कितने लोग ये जानते हैं? चलिए कुछ उदाहरण दूं। हमें एक अलग बिल्डिंग में थे, बाइबल कॉलेज भी अलग बिल्डिंग में था, यहाँ तक कि हमारा ऑफिस भी वहाँ पर था यहाँ आने से पहले। और मुझे याद है मेरे पास एक बड़ा ग्रैंड पियानो था उन दिनों में, और हमने उसे रिपेयर के लिए दिया और वो उस दिन आने वाला था। मैं उसकी राह देख रहा था, वो नहीं आया और मुझे कहीं जाना था, तो सारा ऑफिस बंद था। तो मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, और ये खास स्टूडेंट अच्छा लड़का था लेकिन बहुत कमज़ोर दिमाग का था, बस चीज़ों को सही तरह से नहीं समझ सकता था और बहुत सचेत तरह का व्यक्ति नहीं था। तो दूसरे स्टाफ उससे परेशान हो गए थे जिस तरह से वो काम करता था। तो मैंने हमारे एक स्टाफ से कहा कि इस लड़के से कहना कि यहीं रुकना, यहाँ से नहीं हटना, और जब पियानो आएगा तो कहना कि कमरा खोलना और उसे उस खास जगह पर रखने के लिए कह देना। वो 7 फीट लंबा था, जानते हैं, बड़ा पियानो था, और उन्हें उस कोने में रखने के लिए कहना और कुछ समय में मैं वापस आऊँगा। तो ये स्टाफ जिसने जाकर इस लड़के से कहा, वो पहले से परेशान हो गए थे, तो वो उसके पास गए और वो चाहते थे कि किसी तरह से, जानते हैं कि ये लड़का अच्छे से नहीं समझ सकता है, तो उसकी ओर देखकर कहा, देखो वो यहाँ वायलिन लेकर आएंगे। कुछ मिनटों में वो आएगा एक बड़ी गाड़ी में और तुम उसे कोने में लगाना। पास्टर ने कहा कि वो उसे कोने में लगाना, उस कोने में, और वो कुछ समय बाद वापस आएंगे। तो ये लड़का पियानो और वायलिन का फर्क नहीं जानता था, वो इसी तरह था, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था। वो यहाँ स्कूल में पढ़ तो रहा था लेकिन पियानो और वायलिन के बीच का फर्क नहीं जानता था। तो वो वायलिन की राह देख रहा था और एक बड़ा वायलिन आया, 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। तो वो आया, वो आ गया और उसने उसे कोने में लगाया। और देखिए, मुझे पता नहीं था कि स्टाफ ने जाकर उन्हें ये बताया था कि वायलिन आएगा। वो परेशान हो गए थे इसलिए शायद कहा होगा। तो मैंने आने पर पूछा, क्या वो आ गया, पियानो आ गया? उसने कहा, कौन सा पियानो? मैंने कहा, पियानो, पियानो आने वाला था, उन्होंने पियानो लाया क्या? उसने कहा, वायलिन आया है सर। तो कहा है वो वायलिन? मैंने सोचा कि उन्होंने मेरा पियानो लेकर मुझे वायलिन दिया है। मेरे पास एक भाई थे उन पुराने दिनों में जब टीवी पहली बार आया था, जानते हैं, उन्होंने टीवी रिपेयर करने वाले को बुलाया क्योंकि वो टीवी के बिना 1 घंटे तक भी नहीं जी सकते थे। तो उन्होंने कंपनी में फोन करके रिपेयर करने वाले को बुलाया और जब वो आए तो वो ऊपर चढ़कर कुछ करने लगे और केवल रेडियो आने लगा। तो इस भाई ने कहा, देखिए मैंने आपको बुलाया और आपने मेरे टीवी को रेडियो बना दिया। तो मैंने सोचा कि इस भाई ने मेरा पियानो लिया और मुझे वायलिन दे दिया है। तो मैंने भीतर जाकर देखा, तो वहां पियानो था। मैंने कहा, ये वायलिन नहीं है, क्या तुम्हें पियानो और वायलिन का फर्क पता नहीं है? उसने कहा, ये वायलिन नहीं है सर। और वो मुझ पर संदेह करने लगा कि मैं उसकी मजाक उड़ा रहा हूं, जानते हैं। मैंने कहा, ये पियानो है। दूसरी बार इसी भाई ने, मेरे एक दोस्त थे, अमरीकी दोस्त जो यहाँ कुछ समय हमारे साथ थे,
और ये सब, और वो आकर मुझसे मिलने वाले थे, और फिर ये यही भाई जानते हैं, और मैंने स्टाफ से कहा, उसी स्टाफ से कहा कि लड़के से कहना कि यहीं पर रहना, और जब वो आए, मेरे अमेरिकन भाई का नाम बताया, जब वो भाई आए, जानते हैं, उनसे कहना कि मेरे ऑफिस में बैठे रहें और मैं कुछ समय बाद वापस आऊँगा। तो वो अमेरिकन भाई बहुत मोटे थे, बहुत लंबे, बहुत बड़े, गोरे भाई। तो स्टाफ ने जाकर उससे कहा, देखो एक नाटा व्यक्ति, काला पतला आदमी आएगा, उसका नाम ये है, और उसने अमेरिकन नाम बताया। ये भाई भी उसे जानते थे, ये भाई तो बाइबल स्कूल में पढ़ा रहे थे, और ये सब किसी तरह से उसे समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ये भाई आएंगे, उनसे कमरे में बैठने के लिए कहना, पास्टर कुछ मिनट में वापस आएंगे। तो जैसे मैं निकला, कोई आदमी दुबला नाटा काला व्यक्ति आया, दूसरे भाई मेरे दोस्त थे, मुझसे मिलने के लिए आए, वो वहां पर आए, और उसने उनके पास जाकर पूछा कि आपका नाम ये है, और वो अमेरिकन नाम लिया, और वो भाई भी उससे जानते थे, और वो भाई मुझ पर संदेह करने लगे इस लड़के की ओर देखकर कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, जानते हैं, क्या आप ये हैं? नहीं, मैं वो नहीं हूं, पास्टर ने मुझे कहा कि आप आने वाले हैं सर, आप उसी व्यक्ति के जैसे दिखते हैं जैसे पास्टर ने कहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, और कुछ भी हो, ये बताता है कि कैसे शब्द आपके अंदर एक चित्र बनाते हैं किसी चीज का। ये गलत चित्र बना सकता है, यदि कोई गलत शब्द आपको बताते हैं, ये पूरी तरह से गलत तस्वीर बना सकता है जिसे मिटाना मुश्किल होगा। जब मैंने उस लड़के से कहा ये पियानो है, वायलिन नहीं, वो मुझ पर संदेह करने लगा, मेरी ओर देखने लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। यानी गलत शब्द गलत चित्र बना सकते हैं, इसलिए आप सुनिए सही तरह की चीजें, क्योंकि सही चित्र जरूरी है, क्योंकि आप उसी चित्र के अनुसार बनते जाएंगे। चलिए एक और उदाहरण बताऊं। मैंने भाई जॉन से कहा था, मैंने कहा मेरे एक दोस्त आ रहे थे, एक भाई कैलिफोर्निया से, और मैं कुछ साल पहले उनसे मिला था, और वो बहुत मोटे थे, और बहुत मोटे थे, जानते हैं। और मैंने कहा इसके बारे में कोई गलत मत करना, उन दिनों में केवल 2 या 3 फ्लाइट मद्रास आती थी, जानते हैं। मैंने कहा बस जाकर एयरपोर्ट पर खड़े रहना, और जब प्लेन आए तो देखना, बस सबसे मोटे आदमी को देखना और उन्हें यहाँ पर लाना, कोई समस्या नहीं, कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, आप कोई गलती नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, उनसे मोटा कोई नहीं है, बस जाकर उन्हें लाना। तो वो जाकर वहां पर खड़े हो गए, और उसने प्लेन को देखा, और लोग आ रहे थे, जानते हैं, वैसा कोई नहीं था। और इस भाई ने क्या किया, पिछले 2 साल से डाइट पर चले गए और बहुत दुबले हो गए एक चमत्कार हो गया, बहुत ही पतले हो गए, और फिर उन्हें जाकर उनसे पूछना पड़ा कि क्या आप ये हैं, और अंत में उन्हें पाया, और उन्हें ढूंढने के बाद भी संदेह कर रहे थे, क्योंकि पास्टर ने कहा सबसे मोटे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल उल्टे हैं, यानी हर समय वो कार चलाते हुए सोच रहे थे शायद मैं गलत आदमी को उठा लाया हूं मैं चर्च में गलत आदमी को ले जा रहा हूं, क्योंकि जब वो आए तो मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत अलग थे, बहुत दुबले हो गए थे। ये यही दिखाता है, जब आप चित्र देते हैं, शब्द चित्र बनाते हैं, जब आप कुछ बताते हैं, शब्द ऐसे हैं, शब्दों का ये गुण होता है, जब आप कुछ कहते हैं तुरंत ही चित्र बनाते हैं, और वो चित्र आपके अंदर एक अपेक्षा निर्माण करता है, कुछ दृष्टिकोण, और फिर आप उस दृष्टिकोण पर से अपेक्षा करते हैं। यानी ये भाई मोटे आदमी के आने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन ये पतले व्यक्ति थे, इसलिए एयरपोर्ट से चर्च तक वो बहुत बेचैन थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि गलत किया, गलत आदमी को लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे कहूं बहुत से लोग, क्योंकि उनमें गलत चित्र है, हालांकि आशीष तो हाथ के पास में है, वो ले सकते, पा सकते, वो नहीं लेते हैं, वो आशीष को पूरी तरह खो देते हैं, क्योंकि उनमें गलत चित्र है उन्हें जो मिलना चाहिए उसके बारे में। देखिए ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, डर इसी तरह से है, यदि आप में तस्वीर है। देखिए अय्यूब ने कहा कि जिन बातों से मैं बहुत डरता था वही मुझ पर आई है। अब वो डरता था इसलिए सब कुछ उसने अपने आप नहीं हुआ, यहां पर एक क्रिया है विश्वास के जैसे, कि डर की एक क्रिया होती है, क्योंकि विश्वास और डर बिल्कुल विरोधी शक्तियां हैं और वो एक ही तरीके से काम करते हैं।
जिस तरह विश्वास काम करता है, डर भी काम करता है। यानी जब वो डर गया तो वो क्या कर रहा था? डर की एक क्रिया है। डर के लिए शब्द चाहिए, डर में चित्र होता है। यानी वो चित्र बना रहा था, चित्र कि वो अपने बच्चों को खो देगा, अपना सारा भंडार जल जाएगा और सारे जानवर जल जाएंगे और सब कुछ नुकसान में चला जाएगा और वो सब खो देगा और बीमार हो जाएगा और जानते हैं पूरी तरह से विनाश की दशा में होगा, सब कुछ चला जाएगा, सब खो बैठेगा और खुद को इस तरह से देखेगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं बताया गया, हमें बस बताया गया जिनसे मैं बहुत डरता था वही मुझ पर आ गई। आपको बीच में पढ़ना होगा, इसलिए प्रचारक चाहिए। देखिए, जिन चीजों से बहुत डरता था, और मैं आपको बताऊं किससे डरता था, वो बहुत डरता था, वो बैठा और उन चित्र पर मनन करने लगा और ये चित्र की को सब कुछ खो देगा, सब कुछ जल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और उससे हर तरह की बीमारी हो जाएगी, सिर से पैर तक सहन नहीं होगी ऐसी बीमारी। और सारा दिन भयानक चित्र देखते रहता। और फिर एक दिन जैसे वो देखते रहा, एक दिन वो चित्र वास्तविकता हो गया स्वाभाविक जीवन में। और इसी तरह से चित्र वास्तविकता होता है विश्वास में भी। इसलिए सही चित्र लेना बहुत जरूरी होता है। हम यहां आपको क्यों प्रचार करते हैं? इसीलिए कि आपको सही चित्र दे। किसका सही चित्र? आपका खुद का सही चित्र, आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका धन, आपके हाथों के काम, सही चित्र प्रभु के वचन से। जब सही चित्र होगा तो आप सही अपेक्षा करेंगे। जब आप उसे देखेंगे सही तरह से, आप जानेंगे कि आपको क्या लेना है, आप जानेंगे कि क्या है, आप उस चीज की ओर आगे जाएंगे जब आप में सही चित्र होता है। हेलो, विश्वास इसी तरह काम करता है। ये विश्वास का काम करना है, विश्वास इसी तरह काम करता है। सब कुछ ऐसे नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति विश्वास का व्यक्ति है और वो विश्वास कर इन सारी चीजों को करता है, हम उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो इन सारी क्रियाओं में से गया है, जिसने इन चीजों को पूरा किया है। यही इसका अर्थ है। जब आप इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि विश्वास से लोगों ने ये सब कुछ किया, ये यही इसका अर्थ है। ये कह रहा है कैसे उन्होंने उन चीजों को देखा जो अदृश्य थी, उन्होंने वो नहीं देखा। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने ये सच्चाई नहीं देखी कि उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है और वो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसने ये सच्चाई देखी कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि वो संतान देगा। देखिए, उसने ऐसे ही काम किया, उसने इसी तरह काम किया, वो इस तरह क्रिया में गया और इस तरह उसने संतान पाई 100 साल की उम्र में। विश्वास इसी तरह काम करता। जब हम दाऊद और गोलियत की कहानी पढ़ते हैं, कई बार हम बस पढ़ते हैं केवल एक छोटी चीज दाऊद ने उठाई, एक छोटा पत्थर, उसे मारा, उस आदमी को मार दिया। जानते हैं, यही तो इस कहानी का सार है जिसकी ओर हम ध्यान देते जाते हैं। हम इसी चीज पर सबसे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं सच में। लेकिन उसने ये करने से पहले, उस दानों को मारने के लिए एक पत्थर उठाने के पहले, क्या आप जानते हैं 5 बार उसने कहा कि वो क्या करने वाला है? 5 बार उसने कहा कि उसे क्या करना है। उसने बिल्कुल वही कहा जो वो उस दानों से करने वाला था। 5 बार उसने कहा ऐसा करने से पहले। इसलिए मरकुस 11 कहता है, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कहता है वो होगा और जो भी वो कहता है उससे मिल जाएगा। इस वचन में आप देखते हैं कि कहना या कहा ये 3 बार आता है और विश्वास करना केवल 1 बार आता है। प्रभु जानता है कि हर कोई विश्वास करने के लिए तैयार है लेकिन कहने के लिए तैयार नहीं। कहने और विश्वास करने में फर्क क्या है? कहना तो वो बात है जो आपके विश्वास के लिए सामर्थ्य उत्पन्न करता है। अब उदाहरण के लिए हवाई जहाज में उड़ना देखिए। यदि आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है जो नीचे खींचता है, और फिर उठाने का नियम है जिसमें प्लेन उठता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम खत्म नहीं हुआ, वो वही है, लेकिन उठने का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम से ज्यादा होता है। लेकिन उठाने का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम अदृश्य चीजें हैं, आप इसे नहीं देख सकते। आप प्लेन में बैठकर जब वो इंजन शुरू करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि रुकिए 1 मिनट, कोई उठाया जाना नहीं देखता हूं, मुझे उतरने दो, मैं जाना चाहता हूं।
मैं इसे नहीं देख सकता, कैसे उड़ेगा। खैर आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें इंजन शुरू करने दे और फिर वो रनवे पर चलने दे 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार या कोई भी रफ्तार से। उन्हें ये सही रफ्तार देनी होगी कि उस सामर्थ्य को बनाए कि सब कुछ उठाए ऊपर हवा में। लेकिन ये पूरी तरह से अदृश्य शक्ति है। उठाने की सामर्थ्य कहां से आ रही है? ये आ रही है इंजन से। मानो वो उसे बनाता है, लेकिन उठाने की सामर्थ्य तो आती है हवा के बहाव से जो उस प्लेन के पंखों के पास है। हवा कैसे बहती है और आप वो नहीं देख सकते हैं, हवा को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि जब इंजन शुरू होता है रफ्तार ली जाती है, और जब रफ्तार ली जाती है तो हवा बहेगी इतनी ज्यादा कि उठा सके। इसलिए प्लेन उन 300 यात्रियों को उठाता है और शायद उसमें कुछ हाथी हो, कुछ भी हो उस बूट में, और बहुत सा लगेज हो, चाहे जो भी हो, फिर भी वो उठाएगा। जानते हैं, ये फिर भी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उठाने का नियम काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि विश्वास को विश्वास का नियम कहा गया है? विश्वास एक नियम है, अदृश्य संसार में काम करता है। आप इसे नहीं देख सकते, आपको इसमें काम करना है। जब आप काम करेंगे तो काम करेगा। जैसे वो इंजन शुरू करते हैं और जानते हैं कि हवा का बहाव बनाया जाएगा कि ये उड़ जाएगा, आपको इंजन शुरू करना है। जो इंजन आपको शुरू करना है वो आपका अंगीकार है प्रभु के वचन का। आप इसे शुरू करें, आप इसे रफ्तार दे, आप इस इंजन को शुरू करें और चलाए, और आप इसे सही रफ्तार देते जाएं। आप इस पर आधारित रह सकते, ये उठाएगा। संसार के कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं 24 घंटे दिन में हर एक मिनट में एक फ्लाइट उतरती है और एक फ्लाइट उड़ती है, ऊपर वो उठती है। हर एक मिनट एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग होती है, बिल्कुल सटीकता से, बिल्कुल ऐसे ही ये हो रहा है, क्योंकि नियम काम कर रहा है। आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन लोग इतने भीतर बैठे हैं, वो इसके होने की राह देखते हैं, वो जानते हैं कि ये होगा, क्योंकि ये नियम है। और मैं आपको बताऊं, जब आदम बनाया गया वो जेट हवाई जहाज बना सकता था और उड़ सकता था, क्योंकि नियम पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन किसी ने इसे नहीं पाया, तो आदम को चलना पड़ा, अब्राहम को भी चलना पड़ा, इसहाक और याकूब और सबको चलना पड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज हम उड़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने ये पाया कि कुछ है जो उठा सकता है। लेकिन यही नियम वहां था जब पहला आदम मनुष्य बनाया गया, जब पृथ्वी बनाई गई, ये नियम वहां पर था, उपलब्ध था, किसी ने इसे नहीं पाया। इसी तरह बहुत से विश्वासी है जिन्होंने अब तक टेक ऑफ नहीं लिया है। वो चल रहे हैं, लेट रहे हैं और हर तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आत्मिक जीवन में उड़ान नहीं भरी है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं जाना कि किसी कारण से उड़ सकती हैं। एक नियम है जो उन्हें उठने में मदद कर सकता है कि उड़ सके, उन्होंने इसे नहीं पाया। Filled in your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceeding. Of joy at your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly
joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly abundantly, far above all. There is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly abundantly. Your favor, O Lord, the earth is full of goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. Joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord.